हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक गैरेज। और आज की वीडियो में 2024 की नई यामा FZS F5B3 बाइक का रिव्यू करूँगा। और आज की वीडियो में इस गाड़ी के फीचर्स, प्राइस, माइलेज सब कुछ हो, तो मैं वीडियो आखिर तक देखते रहना। शुरू करते वीडियो। सबसे पहले गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो 1,45,000 रुपये ऑन रोड प्राइस मध्य प्रदेश देवास का आपको पड़ जाता है। अगर आपको यामा की किसी भी गाड़ी के बारे में डिटेल चाहिए तो मध्य प्रदेश देवास के यामा चिराग मोटर शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब इस गाड़ी का वॉकराउंड भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स नेकेड कैटेगरी की बाइक है ये। और सामने से गाड़ी के लुक्स देख लो, कुछ ऐसे रहने वाले जो कि आप सामने देख सकते हो। इसके लुक्स देखने में तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स बताना। और यहाँ पर आपको ना रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, ब्लैक कलर के रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक के दिए गए ब्लैक कलर के है। और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा दिया गया है सामने, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको है ना नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट हेलोजन बल्बों में दी गई है, यामा का लोगो देखने को मिल जाता है यहाँ पर। एंड इसमें आपको है ना LED हेडलैम्प्स दी गई है, स्प्लिट हेडलाइट देखने को मिल जाती है। LED हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है, फ्रंट लाइट LED रहने वाली है। और नीचे की साइड आपको है ना हेलोजन बल्बों में छोटी सी लाइट देखने को मिल जाती है यहाँ पर, इस जगह पर जो नीचे साइड दी गई है। इसका थ्रो बहुत अच्छा रहने वाला रात में। और इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और ये मडगार्ड आपको है ना सिंगल कलर में दिया गया है, ब्लैक कलर का फाइबर का प्लास्टिक का मडगार्ड देखने को मिल जाता है। और सस्पेंशन के ऊपर यामा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और 280mm के डिस्क ब्रेक फ्रंट के देखने को मिल जाते हैं, सिंगल चैनल ABS मिलता है इस गाड़ी के साथ। एंड बाइबर के कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं, 2 पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं बाइबर के। एंड इसके टायर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो 100x80 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, सिंगल चैनल ABS मिलता है इस गाड़ी के साथ। एंड इसके टायर की चौड़ाई कुछ ऐसी रहेगी, इतनी चौड़ी रहने वाली है। और साइड से गाड़ी के लुक्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं। इसके अंदर आपको 135 kg का कर्व वेट आता है इस गाड़ी का, और 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है गाड़ी। और इसके साइड से गाड़ी के लुक्स कुछ ऐसा रहने वाला है, जो कि सामने आप देख सकते हो। ब्लू कलर में ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा है कलर कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट से बताना। और इसके साइड से लुक्स कुछ ऐसा रहेंगे। और यहाँ पर आपको ना थोड़ी जाली की डिज़ाइन दी गई है, जो कि आप सामने देख सकते हो, एकदम बड़ी अच्छी लगती है देखने में। इसकी जाली की डिज़ाइन दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको FZX और V3 की ब्रांडिंग स्टिकर में देखने को मिल जाती है। और ये पूरी फ्यूल टैंक आपको पूरी फाइबर की दी गई है, पूरी फ्यूल टैंक फाइबर की मिलती है यहाँ का लोका देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको प्लास्टिक का कवर लगा हुआ मिल जाता है फ्यूल टैंक के ऊपर। और इसके अंदर आपको ब्लू कलर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ से फ्यूल डलता है गाड़ी के अंदर, जो कि सामने देख रहे हो, इस जगह से फ्यूल डलेगा। और यहाँ पर चाबी लगती है गाड़ी की, और E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है गाड़ी। और यहाँ पर चाबी लगती है गाड़ी, चाबी के डिज़ाइन दिखाता हूँ मैं, देखो जरा। चाबी का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिया गया है इसके अंदर, नॉर्मल 2 चाबी देखने को मिल जाती है, यामा का लोगो मिल जाएगा चाबी के ऊपर। और यहाँ पर चाबी लगेगी गाड़ी की। और इसकी वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। इसके अंदर आपको है ना वही बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि इसके अंदर चेक इंजन लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल का एंड का इंडिकेटर, एंड पासिंग लाइट के इंडिकेटर लाइट, और टर्न बाय टर्न इंडिकेटर, सिग्नल के इंडिकेटर लाइट, और पावर की लाइट, एंड ओडोमीटर डिजिटल, स्पीडोमीटर डिजिटल, और मीटर कॉन्सोल फुल डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। एंड इतने शानदार फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। एंड ट्रिप मीटर डिजिटल, एंड टेकोमीटर डिजिटल, और डिजिटल क्लॉक, ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और एडिशनल फीचर्स में आपको इको का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और इतने बड़े साइज का डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, यामा का लोगो मिल जाएगा। और इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिया गया है, स्ट्रेट हैंडल रहने वाला है, उसका हैंडल ना ऊपर की साइड दिया गया है, ऐसे लॉन्ग राइड आपकी कंफर्टेबल रहेगी, और इस गाड़ी पे कंफर्टेबल आप राइड कर सकते हो। और यहाँ पर इंजन ग्रिल का स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पासिंग लाइट का बटन एंड इंडिकेटर बटन, हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर है ना इसके हैंडल ग्रिप के बारे में बात करें तो अच्छी क्वालिटी का रबर का यूज़ किया गया है इसके अंदर। इसके हैंडल का डिज़ाइन सामने आप देख सकते हो, इससे ना आप लॉन्ग राइड भी कंफर्टेबल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसमें आप क्लच भी जो देख रहे हो, क्लच भी एकदम स्मूथ क्लच दिया गया है, इससे आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो इस क्लच को भी। और यहाँ पर हमने इसके सीट के बारे में बात करें तो 790mm की सीट हाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और इसकी सीट अच्छी लंबी मिलती है, चौड़ी मिलती है, कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। राइडर की और पैसेंजर की दोनों सीट कंफर्टेबल रहने वाली है, अच्छे कुशन का यूज़ किया गया है इसके सीट के अंदर, लेकिन इसकी सीट बड़ी कंफर्टेबल रहने वाली है, लॉन्ग राइड भी कंफर्टेबल कर सकते हो, स्ट्रेचिंग की गई है सीट के अंदर। एंड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल मिलता है, जो कि मजबूत क्वालिटी का रहने वाला है, सामने आप देख रहे हो। और यहाँ पर आपको है ना सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मड फ्लैप मिल जाता है, प्लास्टिक का दिया गया है। और यहाँ पर पैसेंजर फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, सिल्वर कलर का दिया गया है। और यहाँ पर गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलते हैं, साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और इंजन के लुक्स इस साइड से कुछ ऐसा रहने वाला है, जो कि आप सामने देख सकते हो, 150cc का पावरफुल इंजन आपको देखने को मिल जाता है। और जो कि ये पार्ट्स आप देख रहे हो प्लास्टिक के देख रहे हो, ये प्लास्टिक के पार्ट्स दिए गए, फाइबर के दिए गए हैं, जो कि देख रहे हो ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का पार्ट भी आप फाइबर का दिया गया है प्लास्टिक का। एंड यहाँ इसके साइलेंसर का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिया गया है इसके अंदर, जो कि सामने आप देख रहे हो, एकदम बल्कि लुक का साइलेंसर दिया गया है। और ये पार्ट्स देख रहे हो, ये भी ना फाइबर प्लास्टिक के दिए गए, मेटल का कुछ यूज़ नहीं किया गया
गया है और इसका साइलेंसर का एग्जॉस्ट का नोट मैं आपको बाद में सुना दूंगा। यहाँ पर पैसेंजर फुटरेस्ट और यहाँ ब्रेक पैड्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको है ना 150cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वोल्ट इंजन देखने को मिल जाता है। BS6 2.0 इंजन मिलता है एंड जो कि 12.4 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 7,250 RPM पर एंड 13.3 NM का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5,500 RPM पर। और इसके माइलेज के बारे में बात करें तो करीबन आपको 49 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको निकाल देगी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में। और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है। और इसके रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो रियर सस्पेंशन इसमें आपको है ना 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि सामने आप देख रहे हो। बड़े अच्छे कंफर्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, इससे बहुत कंफर्ट रहने वाला गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पर इसके रियर ब्रेक में आपको 220mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और सिंगल चैनल ABS मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और रियर टायर आपको अच्छे चौड़ा टायर दिया गया है कंपनी ने, 140x60 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। और इसके ना मैं टेल लाइट चालू करके आपको दिखाता हूँ कि टेल लाइट कैसी दिखती है। तो ये देखो जरा, जैसे आप गाड़ी में चाबी लगाते हो तो इसकी टेल लाइट और डियर लाइट इस तरह से चालू हो जाती है। और यहाँ पर आपको ना हेलोजन बल्ब में टेल लाइट देखने को मिल जाती है और इंडिकेटर लाइट्स में हेलोजन बल्ब में दी गई है। और इसमें आपको ना रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और इसमें कोई नंबर प्लेट लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। हेलोजन बल्ब में जो लाइट दी गई है वही आपकी इस रोशनी नंबर प्लेट लाइट के ऊपर आ जाएगी। नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक का मडगार्ड मिल जाता है, साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको चेन कवर देखने को मिल जाता है ऊपर की साइड लगा हुआ है, जो कि देख रहे हो यहाँ पर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यामा FZ TX 3B मुझे कमेंट्स बताना। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आप अपनी ड्रीम बाइक का नाम मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि आपकी ड्रीम बाइक्स कौन सी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोज़ के लिए। जब तक दोस्तों मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू गाड़ी के साथ। बिल इन पावर पहिए में ताकत है। जय हिंद, जय भारत।